तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सन 2021 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले स्मार्टफोन के बारे में, जिसका नाम है Realme 9 Pro। और सभी लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसमें हमें इस बार काफी बढ़िया स्पेक जो है देखने को मिलने वाले हैं। और दूसरी एक बात और, Realme के जो स्मार्टफोन होते हैं उसकी प्राइस हमें काफी कम जो है देखने को मिलती है, यानी कि स्पेक के अकॉर्डिंग Realme के स्मार्टफोन की प्राइसिंग काफी कम होती है, और ये बात आपको पता भी होगी। और Realme 9 Pro काफी न्यू फीचर के साथ जो है आने वाला है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि Xiaomi और Realme में हमेशा ही टक्कर रहती है, और Realme इस बार Xiaomi के Redmi Note 10 Pro Max को Realme 9 Pro से बीट करने वाला है। और इन सब में सबसे ज्यादा फायदा पब्लिक का होता है, क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं, और ऐसे में हमें इस बार जो है Realme 9 Pro में काफी कमाल के और काफी बढ़िया फीचर जो है मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में Realme 9 Pro के बारे में जो है बात करने वाले हैं कि इसमें हमें क्या क्या स्पेक जो है देखने को मिलेंगे, इस फोन का प्राइस क्या रहने वाला है, और ये स्मार्टफोन कब तक लॉन्च होगा, सभी के बारे में जो है बात करेंगे डिटेल में। तो चलिए गाइस इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। गाइस सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में, क्योंकि डिस्प्ले इस फोन में आपको काफी बढ़िया जो है देखने को मिल जाता है। इस फोन में आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस एक सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस फोन में आपको सुपर AMOLED डिस्प्ले जो है देखने को मिलेगा, जो कि सिंगल पंच होल के साथ आएगा। और सबसे बढ़िया बात, यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो है देखने को मिल जाता है, जो कि इस फोन को काफी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन बना देता है। और साथ ही में डिस्प्ले को प्रोटेक्शन देने के लिए इस फोन में आपको Gorilla 5 का प्रोटेक्शन जो है देखने को मिल जाता है, यानी कि ये फोन काफी मजबूत रहने वाला है। और सिक्योरिटी के लिए इस फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जो है देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं इस फोन के फोन्स के बारे में, क्योंकि इस फोन में आपको गेमिंग के लिए काफी अच्छा प्रोसेसर जो है देखने को मिल जाता है। इस बार इस फोन में आपको Qualcomm Snapdragon 778G का जो है प्रोसेसर मिलने वाला है, जो कि दोस्तों काफी बढ़िया प्रोसेसर है, क्योंकि ये प्रोसेसर हमें इससे पहले काफी सारे स्मार्टफोन में जो है देखने को मिल चुका है, जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर हो जाता है, क्योंकि ये प्रोसेसर जो है 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन के साथ जो है आता है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रोसेसर कितना फास्ट रहने वाला है। वहीं बात कर ले रहे हैं दोस्तों इस फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पर आपको Android 11 का सपोर्ट जो है देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों Realme UI 2.0 पर बेस्ड होगा। और सबसे बढ़िया बात, इस फोन में आपको लिक्विड कूलिंग भी जो है देखने को मिल जाती है, जो कि काफी बढ़िया बात हो जाती है मेरे हिसाब से, आपको गेमिंग वगैरह में खेलने में कोई जो है दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। वहीं दोस्तों बात करते हैं इस फोन के बिल्ड और डिजाइन के बारे में, तो इस बार आपको बैक में जो है ग्लास देखने को मिलेगा, जो कि ग्लोसिंग ग्रेडिंग फिनिशिंग के साथ आएगा। तो ये फोन डिजाइन के मामले में काफी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन हो जाता है। पीछे आपको ट्रिपल रियर कैमरा जो है देखने को मिलेगा, LED फ्लैश देखने को मिलेगी, Realme की ब्रांडिंग जो है देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों बात करते हैं इस फोन के कैमरास के बारे में, तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, इस फोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा जो है देखने को मिल जाता है, जिसका प्राइमरी सेंसर आपको 108 MP जो है देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस फोन में आपको 108 MP जो है मेन सेंसर जो है देखने को मिलने वाला है, जो कि काफी बढ़िया बात हो जाती है। उसके साथ ही 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 MP का मैक्रो सेंसर। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको सेल्फी के लिए 16 MP का जो है कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि पंच होल के साथ आएगा। दोस्तों कैमरा भी इस फोन में आपको काफी अच्छा जो है देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों बात करें इस फोन के बैटरी लाइफ के बारे में, क्योंकि इस फोन में आपको 4500 mAh का बैटरी जो है देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों मेरे हिसाब से काफी बड़ा बैटरी है। और इतनी बड़ी बैटरी को चार्ज करने के लिए इस फोन में आपको 5W की जो है फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट जो है देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों मेरे हिसाब से काफी बढ़िया बात हो जाती है, क्योंकि ये फोन आपका काफी जल्दी चार्ज हो जाएगा। अगर आप भी एक ऐसा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं जिसमें आपको काफी बढ़िया जो है फास्ट चार्जिंग जो है देखने को मिले, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकता है। वहीं बात करें इस फोन के अदर फीचर के बारे में, तो इस फोन में आपको टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट जो है देखने को मिलेगा, 3.5 ऑडियो जैक देखने को मिलेगा, फेस अनलॉक जैसा फीचर जो है देखने को मिलेगा, और उसके साथ ही डुअल स्टोरेज स्पीकर भी जो है देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ओवरऑल ये स्मार्टफोन काफी बढ़िया स्मार्टफोन हो जाता है, और इस फोन की प्राइसिंग आपको 25,000 के बजट में जो है देखने को मिलेगी, जिसमें आपको इसका बेस वेरिएंट जो है देखने को मिलेगा, और ये फोन आपको जो है अक्टूबर या नवंबर में जो है देखने को मिल जाएगा। कि दोस्तों कोई भी इन्फॉर्मेशन इस फोन के रिगार्डिंग आती है तो मैं आपको जरूर से अपडेट करूंगा। तो दोस्तों यही था Realme 9 Pro के बारे में कुछ कन्फर्मेशन। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।